कक्षा 8 विज्ञान अध्याय 4 चुंबकत्व। अक्सर जब किसी बल का प्रयोग होता है तो हम पाते हैं कि उस पिंड के साथ कुछ संपर्क में आता है। उदाहरण के लिए क्रिकेट की भाषा में अगर हमें 4 रन बनाने हैं तो बल्ले से गेंद पर प्रहार करना होता है। दिशा परिवर्तन के लिए साइकिल की डंडी को हल्का सा मोड़ देना पड़ता है, आदि आदि। आप देखेंगे कि हाथ और साइकिल की डंडी के बीच संपर्क स्थापित हो रहा है। लेकिन इसी समय अनेक ऐसे उदाहरण भी सामने आते हैं जहां बल का प्रयोग होता है पर कोई संपर्क दिखाई नहीं देता। इन्हीं उदाहरणों पर हमें ध्यान देना है। आपने धरती पर फल को गिरते हुए देखा होगा। ये नीचे क्यों गिरता है? ऐसा गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। इस मामले में फल पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, लेकिन धरती और फल के बीच कोई संपर्क नहीं होता। सूखे बाल में जब कंघी की जाती है तो कागज के छोटे टुकड़ों को बिना स्पर्श किए कंघी उठा लेती है। ऐसा इसलिए होता है कि वहां स्थैतिक विद्युत बल काम करता है। ठीक इसी प्रकार चुंबकत्व बल भी काम करता है। बिना संपर्क ये प्रक्रिया होती है। आइए अब हम चुंबक के इतिहास पर नजर डालते हैं। कहते हैं कि लगभग 800 से 600 बीसी के दौरान एशिया माइनर परिक्षेत्र के मैग्नेशिया में रहने वाले लोगों ने एक पत्थर पाया जो लोहे को आसानी से अपनी ओर खींच लेता था। उन्होंने उसे मैग्नेटाइट नाम दिया। समय के साथ ये मैग्नेट कहलाने लगा। इस पत्थर के गुणधर्म का अध्ययन बाद में विज्ञान के बढ़ते क्रम के साथ हुआ। इसे ही चुंबक विज्ञान कहा जाता है। आज चुंबक के अनेक प्रकार उपलब्ध हैं, जिसमें आयताकार चुंबक से लेकर डिस्क चुंबक तक शामिल है। हॉर्स शू मैग्नेट भी इसी का एक प्रकार है। आइए हम इस मनोरंजक सक्रियता को समझने की कोशिश करते हैं। एक बर्तन में लोहे, शीशा, जस्ता, एल्यूमिनियम, निकेल और तांबे के छोटे छोटे टुकड़े लें और एक छड़ चुंबक उसमें रख दें। हम देखते हैं कि लोहा, निकेल और कोबाल्ट के टुकड़े चुंबक की ओर आकर्षित होने लगते हैं, जबकि शीशा, जिंक, एल्यूमिनियम और तांबे के टुकड़े आकर्षित नहीं होते। इस प्रक्रिया से स्पष्ट है कि चुंबकीय अवयव चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, निकेल और कोबाल्ट। वे टुकड़े जो चुंबक से प्रभावित नहीं होते उन्हें अचुंबकीय तत्व कहा जाता है। उदाहरण के लिए प्लास्टिक, रबर और तांबा। आइए हम चुंबक के गुणों के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। हम चुंबक के प्रत्येक गुणधर्म आधारित सक्रियता को समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए छोटे छोटे प्रयोग करते हैं। पहली प्रक्रिया के अंतर्गत चुंबक के केंद्र पर धागा बांधते हैं और उसे लकड़ी के स्टैंड का सहारा देते हैं। हम देखते हैं कि चुंबक प्रभावित होता है और गोल गोल घूमने लगता है, लेकिन ये स्थिर होने पर एक ही दिशा में होता है। इस प्रयोग को बार बार दोहराते हैं। आप देखेंगे कि जब भी यह स्थिर होता है तो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही होता है। इस प्रकार हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी भी चुंबक का गुण होता है कि वो स्वतंत्र रूप से उसके उत्तर दक्षिण दिशा में ही स्थिर होता है। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। उत्तर दिशा की ओर के भाग को चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दक्षिण दिशा वाले भाग को चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। उत्तर और दक्षिण ध्रुव को क्रमशः N और S के रूप में निरूपित किया जाता है। आइए हम इसके दूसरे गुण की चर्चा करते हैं। कुछ लोहे के टुकड़े को एक बर्तन में रखते हैं और वहां पर एक छड़ा चुंबक भी रख देते हैं। अब आप चुंबक को उठाइए। देखेंगे कि केंद्र की अपेक्षा चुंबक के ध्रुवों पर बहुत सारे लोह अवयव चिपके हुए हैं। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी चुंबक का बल उसके ध्रुव पर केंद्रित होता है। अब हम अन्य प्रयोगों के आधार पर चुंबक के गुणों के संदर्भ में अध्ययन करते हैं।
चुंबक को धागे की सहायता से लकड़ी के आधार पर टिकाते हैं। उसे उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थिर होने दें। अब किसी दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को स्थिर चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास ले जाएं। हम पाते हैं कि स्थिर चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दूर भागता है। इस प्रक्रिया को चुंबकीय प्रतिकर्षण कहा जाता है। अब फिर चुंबक को स्थिर होने देते हैं। ऊपर के प्रयोग की तरह इस बार दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव स्थिर चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर ले जाते हैं। दोनों चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। इस घटना को चुंबकीय आकर्षण कहते हैं। उपरोक्त प्रयोगों के आधार पर हम जान पाए कि एक, समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे के प्रति विकर्षण पैदा करते हैं। दो, असमान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आइए अब चुंबक के अंतिम गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। एक, एक पतला छड़ चुंबक लें जिसे कैंची की सहायता से काटा जा सके। दो, इसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को चिन्हित कीजिए। तीन, अब चुंबक को उसके केंद्र से काट दीजिए। चार, दोनों टुकड़ों को चुंबकीय अवयवों से भरे बर्तन में रखते हैं। पांच, हम पाते हैं कि दोनों ही टुकड़ों के चारों तरफ चुंबकीय अवयव चिपक गए हैं। छह, अब उन्हें हटाकर चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की जांच करते हैं। हम पाते हैं कि स्थिर स्थिति में चुंबक के टुकड़े उत्तर और दक्षिण दिशा में आ जाते हैं। इस प्रयोग को बार बार करते हैं और प्रत्येक बार चुंबक के टुकड़े करते जाते हैं। चुंबक का हर एक टुकड़ा समान गुण रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि चुंबक का प्रत्येक टुकड़ा अपने आप में एक चुंबक होता है जिसके उत्तरी और दक्षिणी दो ध्रुव होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी चुंबक के दोनों ध्रुव स्वतंत्र रूप से अलग नहीं किए जा सकते। इस प्रकार एक चुंबक के विभिन्न गुणों के समापन तक हम पहुंच गए हैं। अब हम चुंबक के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं। प्रिमिटिव कॉम्पस। प्राचीन काल में गहरे समुद्र में उतरने वाले नाविक आसमान में तारों और ग्रहों की स्थिति को देखकर दिशा का अनुमान लगाते थे। ध्रुव तारा उन्हें उत्तर दिशा निर्धारित करने में सहायक होता था। बाद में जैसे जैसे चुंबक के गुणों की समझ आई तो उत्तरी और दक्षिण दिशा की उन्होंने खोज कर डाली। इस प्रकार कॉम्पस में चुंबक का प्रयोग दिशा निर्धारण के लिए किया जाने लगा। पहली बार मारिनर कॉम्पस में चुंबक का प्रयोग चीन और मिश्र के नाविकों ने किया। उस समय एक चुंबकीय सुई जो लकड़ी से आधार लिए हुए होती थी वो पानी पर तैरती रहती थी। चुंबकीय सुई घूमने फिरने में स्वतंत्र थी। जब वो स्थिर होती थी तो वो उत्तरी और दक्षिणी दिशा होती थी। पिन होल्डर। आपने पिन होल्डर को देखा होगा। अक्सर यह लिखने वाले टेबल पर रखा होता है। प्राय रूप से यह प्लास्टिक का बना होता है जिसमें एक पतला वाला चुंबक मुहाने पर फिट किया होता है। जब हम इस पिन होल्डर को घुमाते हैं तो पिन तल की ओर से होल्डर के मुहाने पर चिपक जाती है और इस प्रकार उन्हें आसानी से लिया जा सकता है। कपबोर्ड के शटर। ये अति साधारण उदाहरण है कि जब हम किसी का कपबोर्ड के दरवाजे या शटर को फ्रेम के नजदीक ले जाते हैं तो वो झट से बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि शटर के निचले भाग में एक चुंबक फिट किया होता है और ठीक इसके सामने आने वाले भाग पर फ्रेम में लोहे की एक पतली परत बनाई गई होती है।